पब्लिक टीवी आपकी आवाज। महापौर और नगर आयुक्त में चल रही अदावत के बीच सोमवार को हुई नगर निगम की बोर्ड की बैठक में जमकर बवाल हुआ। अपने करीबियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद महापौर ने निर्माण कार्यों के 33 टेंडर निरस्त कर दिए। महापौर 900 करोड़ का बजट पास कराने में कामयाब रहे, लेकिन हंगामे के चलते बैठक बीच में ही खत्म करनी पड़ी। बोर्ड के भीतर अपनों के हमले झेल कर निकले मेयर को बाहर सफाई कर्मियों ने भी घेर लिया। पगार दोगुना करने की जिद पर अड़े सफाई कर्मियों ने नगर आयुक्त और सिटी मजिस्ट्रेट से भी धक्का मुक्की की। महापौर और नगर आयुक्त को करीब 40 मिनट तक बंधक बनाए रखा। पांच घंटे तक चली बोर्ड की शुरुआत निगम के 20.5 करोड़ रुपए के टैक्स घोटाले से हुई। हंगामे के बीच बोर्ड ने शासन से इसकी SIT जांच की सिफारिश कर दी। सपा विधायक हाजी इकराम कुरैशी ने आरोप लगाया कि महापौर के करीबी ने ठेकेदारों को टेंडर दिलाने में लगभग 40 लाख रुपए लिए हैं। इन आरोपों पर राहुल शर्मा ने सपा विधायक पर मानहानि का केस करने की बात कही। इससे पहले बोर्ड की बैठक में शहर विधायक रितेश गुप्ता ने भी जांच कराने और टेंडर निरस्त करने की मांग की, जिसके बाद महापौर विनोद अग्रवाल ने 33 टेंडर निरस्त कर आरोपियों के खिलाफ जांच के आदेश कर दिए। बैठक किसी तरह एजेंडे पर आई तो बाहर सफाई कर्मियों और ठेकेदारों ने धरना शुरू कर दिया। सफाई कर्मी पुलिस को धक्का कर बोर्ड की बैठक में घुसाए। हंगामे की वजह से महापौर ने बजट पास होते ही बैठक को स्थगित कर दिया। बैठक के बाद लौट रहे नगर आयुक्त अवनीश कुमार शर्मा की कार बुध बाजार में रोक कर सफाई कर्मी उन्हें वापस निगम कार्यालय ले आए, जहां महापौर और नगर आयुक्त को करीब 40 मिनट तक बंधक बनाए रखा। सिटी मजिस्ट्रेट को भी सफाई कर्मियों का खासा गुस्सा झेलना पड़ा। मेयर ने लिखित आश्वासन दिया कि वो आउटसोर्स सफाई कर्मियों का वेतन 7500 से बढ़ाकर 15000 रुपए करने का प्रस्ताव शासन को भेजेंगे। इसके बाद ही सफाई कर्मी माने। मेयर विनोद अग्रवाल का कहना है कि छोटे मुद्दों पर चर्चा के लिए स्थगित बैठक अगले सप्ताह फिर बुलाई जाएगी। पहली बार नगर निगम में कुछ विशेष मुद्दों पर चर्चा हुई, बजट था, और कुछ लोगों ने पहले से ही कुछ ऐसा सोच रखा था, परंतु आज आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के सहयोग से, क्योंकि पिछले कई दिनों से इस माहौल को गर्म किया जा रहा था, वो आज शांतिपूर्वक 5 घंटे शांति से मीटिंग चली है। और आज जो सफाई कर्मचारियों ने 7500 की जगह 15000 की मांग रखी है, तो 75 लाख रुपए महीने का नगर निगम पे अतिरिक्त बोझ पड़ने वाला है। तो उसकी व्यवस्था के लिए कहा है कि अगर, चूंकि ये नगर निगम के हाथ में नहीं है, शासन के हाथ में है, शासन को अवगत कराया जाएगा और जो भी तनख्वाह इसकी बढ़ाई जाएगी। अब रही ठेकेदारों का जो मुद्दा था, ठेकेदारों के लिए वो जो 25 टेंडरों पर विवाद चल रहा था, वो 25 टेंडरों को आज हमने उनको निरस्त करने का आदेश करा। महापौर जी, जब से जद्दोजहद चल रही थी कि टेंडर निरस्त हो जाए, लेकिन उसके बावजूद आज जब वो धरने पर बैठे, उसके बाद ही नहीं, वो उसके लिए ऑलरेडी माननीय मंडलायुक्त महोदय पे इन लोगों ने वो दी थी, और जिलाधिकारी महोदय ने उस पर वो किया और ये कहा कि अगर किसी भी तरीके से
निगम को आर्थिक नुकसान नहीं होता है यदि, तो इसे निरस्त कर दिया जाए। और ठेकेदारों ने लिख के भी दिया है कि हम आने वाले उसमें टेंडर बिलो रेट पे ही लेंगे। अच्छा, इस बार सदन से मीडिया को दूर रखा गया, क्या कहें मीडिया के अधिकार? पिछली बार भी रखा गया था, चूंकि फोटोग्राफरों के छायाकार के कारण थोड़ी सी अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। सदन के सभी फोटोग्राफरों को अंदर आने दिया गया और आप लोगों को सबको चित्र खींचने का भरपूर मौका दिया गया। कई छायाकारों को, कई मीडियाकारों के साथ भी नहीं, पत्रकार तो सारे थे, पत्रकार थे नहीं, गलत बात, गलत, पत्रकार मेरे भाई हैं, पत्रकार मेरे सभी भाई हैं, मेरे मित्र हैं और मेरी आत्मा है। नगर आयुक्त साहब को मैं सफाई कर्मचारियों ने घेर लिया और उनके साथ बदतमीजी भी करी, क्या कहना चाहेंगे आप? मेरे संज्ञान में नहीं है ऐसा, मेरे साथ ही बैठे थे अभी, वो नहीं, वो हमारा आने का रास्ता ही वही है। तो पब्लिक आपकी तरफ क्यों भाग रही है? कहाँ भाग रही? कहीं नहीं भाग रही, कोई भी नहीं, कहाँ भाग रही? पब्लिक टीवी, आपकी आवाज़।